होश एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मावासी गिरी यानी कि स्पिन किक या राउंड हाउस किक भी इसको बोलते हैं। हम इस वीडियो में इस एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे और एडवांस लेवल पे करेंगे कि आप अपने किक को किस प्रकार से स्पीड और पावरफुल बना सकते हैं। सारे टिप्स इस वीडियो में हम आपसे शेयर करूंगा, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मावासी गिरी करते क्या हैं, जब किसी को आप डायरेक्ट मावासी गिरी हम अपने जब क्लास में सिखाते हैं बच्चों लोग को, तो हम लोग सिखाने लगते हैं कलर्स बेल्ट के संग व्हाइट बेल्ट भी रहते हैं, तो डायरेक्ट कैसा करना शुरू कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ये करते हैं और ये करते हैं और कुछ इस प्रकार से भी करते हैं। देखिए, इन सब गलतियों को क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करके हम शुरू में ही इन सब गलतियों को रोक देंगे। तो चलिए किस प्रकार से देखते हैं वो एक्सरसाइज कौन कौन से। सबसे पहले इस प्रकार से अपने दोनों पैर को एक सामने रख के इस प्रकार से खड़ा हो जाना है, फिर अपने जो पैर है आपका उस प्रकार से उठाना है, ये उठाएं। अब इसमें एक्सरसाइज करना है, 1 2 इस प्रकार से आप एक्सरसाइज करें, दोनों पैरों से आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर लें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्या करना है, जो ये कर रहे हैं ना एक्सरसाइज इसी को करेंगे आप एक सेम, इस प्रकार से उठाना है 1, ये सेकेंड एक्सरसाइज है, इसी प्रकार से उठाना है सेम दोनों पैर से करें, 10 से 20 बार आप प्रैक्टिस करें इन किक को। थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ये जो फर्स्ट को सेकेंड किया अब सेकेंड से हम थर्ड करेंगे किस प्रकार से, जो उठा रहे पैर ना इसको इस प्रकार से उठाए, जस्ट रोटेट। और जब हम रोटेट करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, जो हम लोग का पैर जो ज़मीन पे है जो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है खड़ा होने में, उसको जस्ट इस प्रकार से साइड की तरफ रोटेट करना अपने हिप के साथ, जस्ट अप एंड टर्न। ये हुआ थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज किस प्रकार से करना है, देखिए मेरे पास बांस है, आपके पास कुछ दीवार वाल का सहारा हो तो उसका सहारा लेकर इस प्रकार से खड़े हो जाना है और इस प्रकार से घूम के अपने पैर को सिर्फ इस प्रकार से खोलने का प्रैक्टिस करना है, ये इस प्रकार से फोर्थ एक्सरसाइज। अब इन चारों एक्सरसाइज करने के बाद हम इन सबको एक संग समअप कर देंगे और फिर साथ में देखें कैसे करते हैं जंगल स्विस स्टांस में बैठ के, कुछ इस प्रकार से हम अपने एक पैर में बैठ जाएंगे फिर पीछे वाले पैर से देखिए कैसा, ये सेकेंड एक्सरसाइज इस प्रकार से उठाए से, ये थर्ड, ये फोर्थ जो दीवार पर किए थे इस प्रकार से करना है। जब आपको ऐसे करते करते ये किक आपका स्मूथ हो जाए तो उसके बाद अपना किक को फास्ट करने के लिए जो टेक्निक है वो देखते हैं, उसको अपने किक को फास्ट करने के लिए आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है, वो एक्सरसाइज नहीं है ये, इसी प्रकार से इस किक को किया जाता है। देखिए ये रहा, अब यहाँ से आपको पैर को अपने एकदम सीधा अप उठाना है स्ट्रेट, यहाँ से उठाए जस्ट रोटेट, ये पैर उठाए एंड रोटेट। अब जितने हाई अपने लेग को अप करेंगे, नी जितना आपका ऊपर आएगा उतना आपका किक फास्ट होगा, जितने जल्दी उठाएंगे उतने जल्दी खुलेगा, ये उठाए अप एंड हिट, ये हुआ अपने किक को फास्ट करने के लिए फर्स्ट अप। नी को अपने जल्दी से ऊपर उठाना है, जितने जल्दी उठाएंगे उतना जल्दी आपका किक फास्ट होगा। अब इस अपने किक को पावरफुल बनाने के लिए कैसे करना है, देखिए ये जो हम किक करें तो अपने पैर को इस प्रकार से साइड वाइज नहीं उठाना, अब एक एंगल तक अपने पैर को उठाओ उसके बाद अंदर लेके जाओ, देखिए यहाँ तक अपने पैर को उठाए अब यहाँ से अंदर पूरे टारगेट को हिट करेंगे, इस प्रकार से मारेंगे तो आपका किक में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, जिस जब आपको टारगेट पर हिट होगा टारगेट का काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। देखिए किस प्रकार से ये उठाए यहाँ तक, अब यहाँ से जस्ट गेयर इन, ये उठाए एंड गेयर इन, इसको बोलते हैं स्पिन किक, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। आप इसको कहाँ कहाँ मार सकते हैं, आप इसको चेस्ट में मार सकते हैं, बैक में मार सकते हैं, रिब्स में मार सकते हैं, हेड में लगेगा तो काफ़ी डेंजर, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और देखिए और पॉइंट को ध्यान रखना है क्या, जब ये बैक लेग से मार रहे हैं तो इसको मार के सामने ड्रॉप नहीं करना है, आप इजी टारगेट बन जाएंगे, ये जब मार रहे हैं ना अपने लेग को वापस लाए अपना जहाँ से है, हिट एंड बैक इस प्रकार से करना है। अब देखिए अब सिर्फ पीछे पैर से तो नहीं मारना है, अब सामने पैर से किस प्रकार से मारेंगे, ये देखिए इसी पैर से मारेंगे दो किक, किस प्रकार से ये मारे 1, अब इसी को सामने रखे, अब यहाँ से वेट ट्रांसफर किए बैक लेग पे, फिर से नी अप एंड हिट, इस प्रकार से मारना है। अगर आपको फ्रंट लेग से किक करना है, ओपोनेंट ज़्यादा ही क्लोज आ गया तो आपको क्या करना, अपना वेट बैक लेग पे शिफ्ट करना है, शिफ्ट एंड हिट, शिफ्ट एंड हिट, शिफ्ट
एंड इट, और ओपोनेंट को आपका क्लिक किस लेग से कर रहे हैं वो समझ में ना आ जाए, ओपोनेंट काफ़ी दूर है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, बैक लेग से मारे फिर उसको सामने लैंड कराएं, ये बैक लेग से हिट किया इसको सामने लैंड किए, अब जस्ट लेग स्विप स्विप करना है यहाँ से एंड उसके बाद फिर इस प्रकार से हिट करना है। अब लास्ट में देखते हैं, आप जब वार्म अप करते हैं उसी समय से आप अपने किक के इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से बातों पे ध्यान दे सकते हैं, चलिए उसको मैं दिखाता हूँ। जब ये आप इस प्रकार से वार्म अप कर रहे हैं ना, तो इस अपने पैर को मवासीगिरी के लिए इस प्रकार से बाहर की तरफ फिंगर्स को टो को टान के रखना है इस प्रकार से, फिर आपको इसमें एक्सरसाइज ये वाला करना है, इससे आपको हैबिट बनेगा कि अपने पैर को इस प्रकार से रखना है फिर ओपोनेंट को टारगेट पे हिट करना है। फिर जब इस प्रकार से आप बैठ के कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपने पैर को बाहर टान के रखें फिर वाला एक्सरसाइज करें, फिर जिस लेग बेंड करके करें तो सेम उसी प्रकार से करें, सेम दूसरे पैर से उसी प्रकार से करें। तो ये था कुछ टिप्स और ये, और हम आने वाले समय में इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि आप कौन कौन तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ओपोनेंट ये किक मार रहा है वो किक मार रहा है तो आपको मवासीगिरी ही मारना है, तो आप किस प्रकार से काउंटर करके मवासीगिरी से उसको हिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओश एवरीवन।